रक्षाबंधन आते ही बाजारों में रौनक आ जाती है। आपको बता दें कि कल ही भाई बहन का टूट प्यार यानी रक्षाबंधन का त्यौहार है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन आते ही बाजारों में रौनक आ जाती है। हमारे पीछे ये स्टॉल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कई सारी रंग बिरंगी एवं इंडिया समेत कई सारी चाइनीज राखी है। हम अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि ये राखियों को दिखाएं। आपको हम बता दें कि रक्षाबंधन को मनाए जाने के पीछे एक और कहानी एवं देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा बलि से भी जुड़ी हुई है। भविष्य पुराण के मुताबिक असुरों के राजा बलि ने जब देवताओं पर हमला किया तो इससे इंद्र की पत्नी शची काफ़ी व्याकुल हो गई। इस युद्ध में देवताओं की जीत के लिए तब शची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी तो उन्होंने शची को एक अपना धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांधे जिससे उनकी जीत होगी। शची ने ऐसा ही किया तो उस युद्ध में इंद्र की जीत हुई। यही वजह है कि पुराने समय में युद्ध में जाने से पहले बहनें और पत्नियां अपने भाई एवं पतियों को राखी बांधी करती थी। हमारे साथ यहां पर दुकानदार एवं कई अन्य लोग आए सीधे से जुड़ते हैं और हम बात करने का प्रयास करते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार होता है और इसमें बहुत खुशी है और हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं राखी की, प्यारी प्यारी राखी है। धन्यवाद। ऑनलाइन का क्रेज बढ़ा है, राखी ऑनलाइन मंगा सकते हैं लेकिन आप यहाँ पर बाजारों में आई क्योंकि यहाँ पे भीड़ भक्कड़ है और ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। कहेंगे तो ही कि बहुत अच्छा शुभ दिन है, हमें अच्छा लग रहा है। और जो ऑनलाइन वाली बात है, ऑनलाइन में वो फीलिंग नहीं आती है जो ग्राहकों यहाँ मार्केट में आने बाद एक एहसास होती है, वो ऑनलाइन में फीलिंग हमें नहीं मिल सकती। बस इतना ही कहना चाहेंगे। और हमारा ये त्यौहार सबसे अच्छा है हमारे लिए क्योंकि ये साल में एक बार आता फिर दोबारा नहीं आएगा। हमारे साथ दुकानदार भी आई इसी दिन से जुड़ते बात करते, क्या कहेंगे इस बार रौनक है बाजार में? आप बिल्कुल रौनक तो पूरा है। ग्राहक आ रहे हैं? बिल्कुल। कैसे कैसे राखी लाए हैं आप? 10 रुपये जैसे राखी लेंगे, 10-10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये जैसा लेंगे राखी। बच्चों के लिए क्या स्पेशल लाए हैं आप राखी? बच्चों के लिए टेडी बेयर में है, लाइट वगैरह में है। बाजार में आए थे, इनका साफ तौर पर कहना है, ग्राहकों का कहना है कि इस बार राखी का माहौल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पर लोग जो ऑनलाइन पहले कई साल कोरोना काल में ऑनलाइन के माध्यम से राखी मंगवा लिया करते थे लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ग्राहक बढ़े हैं। अन्य ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें IBC 24।